ये ऑन हो गया, हाँ ये ऑन हो ऑन गया। है। ऑन करते ही कंपनी का नाम दिखा था, इंडोसा BTMM 5.1, ठीक है। उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर दिखाएगा, ये टाइम दिखा रहा है, कॉमोडिटी का नाम है, कॉमोडिटी का कोड है 013, उसका प्रेशर दिया, उसको थिकनेस कितना उसको प्रेशर देना है, 275 किस वॉल्यूम से लेना, ए से जैसे निकाल दिया मैंने, है ये वॉल्यूम है, साउथ सम्पटो, ठीक है, 011। कॉमोडिटी आपने सिलेक्ट करनी है, देखिए इसके में ये पूरा 9 की दिया है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 9 की दिया है, ठीक है ना। कॉमोडिटी सिलेक्ट करनी है डिस्प्ले पे, नो को प्रेस करोगे देखिए यहाँ पे डाउन जाएगी, सरगम आ गया, राइस आ गया, राइस आ गया, जीरो फिर राइस आ गया, दूसरा फिर राइस आ गया, ये पैडी आ गया, धान फिर कनोल आ गया, ये पैडी, दो तरह का पैडी आता है, लॉन्ग ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन, 006 कोड है, लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, बासमती राइस, ये पॉपकॉर्न आ गया, ये मिलेट आ गया, बाजरा, ये कॉर्न आ गया, मक्का, ठीक है, ये आ गया, ये बारले आ गया, अलग अलग का अलग अलग कोड है सबका, हाँ, अलग अलग कॉमोडिटी अलग अलग कोड है, अब नो एक से नीचे जाएगा नहीं अभी, ठीक है ना, बढ़ाना है तो यस से बढ़ेगा फिर, ठीक है, यहाँ से तो आप कॉमोडिटी सिलेक्ट कर सकते हैं नो यस से, राइस लेना अपने 0075 वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा रहेगा, बेहतर रहेगा, हाँ ये तो है, वो अपना रा राइस, छोटा शॉर्ट ग्रेन, ठीक है ना, लॉन्ग ग्रेन आ जाता है इसमें, वीडियो बनी है सर, और ये देखिए पूरा स्केल है 50 का, यहाँ से देखिए 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 जीरो को मानो 50, ठीक है। सबसे पहले हमने ये कप लगा के ना इसकी, जैसे कप निकाल दिया, फिर साफ सुथरा करके यहाँ से भी सारा ये प्लंजर प्लंजर ना नीचे साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ बिठा दिया, ठीक है, हाँ। सीधा बैठेगा ये, हाँ, हाँ, सीधा जाएगा ऐसे स्ट्रेट, उसके बाद इधर कर दिया, ठीक है, पहले देखते हैं इसकी जीरो सेटिंग, जीरो, ठीक है, ये देखिए जीरो आ गया, जीरो वाइट निशान है, ठीक है, और ये इधर आ गया आपका जीरो, देखिए सामने, ठीक है, ऊपर जीरो है ना, ऊपर जीरो, हाँ जीरो, ठीक है, ये आपका ये मशीन का मशीन जीरो होना चाहिए, हाँ हाँ, ठीक, अब इसके बाद इसको खोल दो, फोन नंबर मार्केट कम करीब फोन नंबर का तो लिखिए, राइस लिया और इसको पूरा ऐसे नहीं भरना, लेवल कर लेना, लेवल, ठीक है, कोई अगर धान ले अगर धान को भी ऐसे भर करके ना, ऐसे लेवल कर लिया, फिर उसके बाद आपने इसमें डाल दिया, वैसे FCI वगैरह वाले इसको 30 ग्राम मान के लेते हैं चावल वगैरह ना, राइस को जो है 30 ग्राम तोल के फिर इसमें लेंगे, फिर इसमें इसमें बैठा देंगे, ठीक है, अब इसका काम खत्म, इसको हाथ से ले आओ जितनी जाती है, एक बार हाथ से लाने के बाद यहाँ पे हाथ से थोड़ा हैंडल आ गया, यहाँ जीरो कर लो, जीरो मुझे ये देखिए जीरो आ गया, ये इस जीरो से के हिसाब से आपको यहाँ पे करेक्ट मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे अभी ये कितना पहुँच गया है, देखिए अभी ये एक बार जीरो आ गया इधर, और यहाँ आ गया ये 3 और 4 के बीच में, हाँ 3 4 का बीच में, 3.5 आ गया, 3.5 ये भी, ठीक है ना, ये 4 आ गया, ठीक है, अब एक राउंड आएगा देखिए 3.5 हो गया, ठीक है, 3.5 हो गया ना, 3 और 4 के बीच में, हाँ एक राउंड आया 300 हो गया, ठीक है,
उधर देखिए हाँ 25 इधर और लेना है, मतलब कि एक राउंड 50 का, जब एक राउंड घूम जाता है उधर से इधर ये लेस हो जाते हैं। ये 25 आ गया, 300 से लेस किया 25, 275 ये प्रेशर बन गया 275, ठीक है ना 275। इसके बाद हमने इसको सैंपल चेक करना है, मॉइस्चर चेक करना है ना, रीड करके छोड़ दो। ठीक है, ये तो है निशान प्रेशर देने के लिए। और ये एरो का निशान इसी के अंदर है, उल्टा उल्टा सैंपल निकालने के लिए रूज करके सीधा करो, बाहर निकाल लो, ठीक है ना। ये आ गया, कितना मच्छर कितना आ गया, 14.5 आया था, ठीक है। इसको क्लियर करना किसे, कपड़े से, कपड़े से क्लियर करके, ठीक है। एक बार मोई साइज करते हैं, इतना धरो वही गोल बहुत मैंने तो एक गोल बना। ये देखिए ये जैसे कॉम 1 कॉम 2 कॉम 3 है, इसमें आप डेली आपकी जो रेगुलर कमोडिटी यूज हो रही है आपने वो आप इसमें भर सकते हैं, बार बार आपको यहाँ से प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कॉमन दबाऊंगा मैं, कंपनी से ये फीड होके आया 006 पैडी का कोड, ये भी कंपनी से फीड होके आया, ये भी कंपनी से फीड हो गया है, इसको आप चेंज कर सकते हो। सभी फंक्शन इस मोड में है, किसी में नहीं है, मोड में जाइए। ये फंक्शन है होटकी में, एवरेज के लिए रहेगा, एक पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर लास्ट रीडिंग, तीसरा पैरामीटर डिपॉजिट डिटेल, ये चौथा पैरामीटर मेमोरी मिनिमम, ये पाँचवा पैरामीटर, ये छठा पैरामीटर, ठीक है। ये होटकी आया, किसी फंक्शन में उसको यस करना है, यस किया 006 आ गया एक बार। अब एक बार यस करोगे यहाँ जीरो के नीचे कर्सर आएगा डंडा, यस करते ही आ गया, और नौ से कर्सर आगे जाएगा। अब यहाँ पे आपने पैडी का कोड डाल दिया 008, अब आपका ये पैडी चेंज हो गया, अब इसका कोड आ गया, डाल दिया हमने 008 शॉर्ट ग्रेन का, फिर मोड़ दबा दिया। अब 009 है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं ऐसे ही, जिसने इसको यस किया जीरो के नीचे कर्सर आ गया, यहाँ से जो भी है करना है। और ये सेट किसे होगा, सेट मोड जो सेंस किया, हाँ जो सेट किया ना, नाइन आ गया। ये देखिए इससे बाहर चले जाओ, बाहर चले गए, मोड़ दबा गए। अब देखिए कॉमन दबाओ, सेट किया था ना, ये आ गया। तो कॉम टू दबाया, आपका राइस आ गया, कॉम टू दबाओगे बीट आ जाओ, बीट लेना शुरू कर लो, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, तो एकदम रेडीमेड है, कॉम नहीं जो जितना प्रेशर ज्यादा नहीं है, 525 का प्रेशर है, वॉल्यूम 20 लेना है। जब वॉल्यूम 20 भरोगे ना, चावल जितना ही ना इतना आ जाएगा पैड़ी डाल करके, इसमें फंसाओगे फिर ऊपर ले जाओगे, फिर 525 आपने करना है। जब धान डालोगे तो उसमें प्रेशर टाइट आता है।